गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर संस्कृत टीचर आरती मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में प्रथमा पाठा वंदना। विश्वांसि देव सविते दुरितानि पराशु यद भद्रम तन्न आशुवा। इसमें बताया जा रहा है कि वैदिक मंत्र हमारे बताए गए हैं, ये आपके वंदना में वैदिक मंत्र है। इसमें बता रहे हैं कि हे सूर्यदेव, ठीक है, हे सूर्यदेव हमारे समस्त पापों का नाश कीजिए, हे सूर्यदेव हमारे समस्त पापों का नाश कीजिए और जो कल्याणकारी है वह हमें प्रदान कीजिए। ठीक है, जो कल्याणकारी है वो हमें प्रदान कीजिए। विश्वानि मतलब संपूर्ण, देव सविता मतलब हे सूर्य, देव सविता मतलब हे सूर्य, दुरितान मतलब पापों को, पराशु मतलब नाश कीजिए, भद्र मतलब कल्याण, ठीक है, आशु मतलब प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर वंदना में बताया जा रहा है कि हे सूर्यदेव हमारे समस्त पापों का नाश कीजिए और जो कल्याणकारी है वो हमें प्रदान कीजिए। श्लोक नंबर 2, ईशावश्य मिदम् सर्वयत् किंच जगत्याम जगत् तेन तक्तेन बुजित्या मा ग्रत कश्य शिव धनम। अब यहाँ बेटे देखिए, ईशा मतलब है परमात्मा से, वाश्यविदम मतलब वश, वाश्यम प्लस इदम, इदम मतलब ये हो गया यह, ठीक, वाश्य मतलब व्याप्त है, जगत्याम मतलब पृथ्वी, जगत है ना, जगत मतलब पृथ्वी, ठीक, या संसार, तक्तेन मतलब त्याग पूर्वक, भुजिता मतलब भोग करो, माग्रता मतलब लोभ ना करो, कश्य शुद्धा मतलब किसका या किसी के। अब श्लोक नंबर 2 में बेटे ये बताया जा रहा है कि इस चराचर संसार में जो कुछ है वो परमात्मा से व्याप्त है। इस संसार में, इस चराचर संसार में जो कुछ भी है वह परमात्मा से व्याप्त है, अतएव इसका त्याग पूर्वक भोग करो, अतएव इसका या इन सब का त्याग पूर्वक उपभोग करो, लोभ मत करो, ठीक है, लोभ मत करो। धन किसका है अथवा किसी के धन का लोभ मत करो, ठीक है, धन किसका है, धन किसी का सगा नहीं होता है, आज आपके पास है तो कल किसी और के पास है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इस संसार में, इस चराचर संसार में जो कुछ भी है उस सबको परमात्मा से हमें प्राप्त है, यानी कि वो हमें सब परमात्मा से प्राप्त है, अतः इस सब का त्याग पूर्वक उपभोग करो, लोभ मत करो, धन किसी का भी सगा नहीं है। अब श्लोक नंबर 3 में पहुंचते हैं। सह नावनवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर करा वहे तेजस्वी नाव धितु मस्तु या विदिशा वहे। अब श्लोक नंबर 3 में बेटे है नावतु मतलब हम दोनों की रक्षा करे, ये है ना नावतु, नावतु मतलब हम दोनों की रक्षा करे, भुनक्तु मतलब पालन करो, अधीतम मतलब पढ़ा हुआ, ठीक है, अधीतम मतलब पढ़ा हुआ ज्ञान, ठीक है, अधीतम मतलब पढ़ा हुआ ज्ञान, और विधिहा वह मतलब द्वेष करें, है ना, विधिहा वह मतलब द्वेष करें, और फिर है मां मतलब मत, मां मतलब मत, वीर्य मतलब पराक्रम, ठीक है, प्रयत्न। इसलिए बताया जा रहा है कि हे भगवान तुम हम दोनों मतलब गुरु और शिष्य, हे भगवान तुम हम दोनों मतलब गुरु और शिष्य की एक साथ साथ रक्षा कीजिए, हम दोनों का एक साथ साथ पालन कीजिए, हम दोनों का एक साथ साथ पराक्रम कीजिए, हम दोनों तेजस्वी होकर अध्ययन करें, हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें, यानी कि हम दोनों परस्पर प्रेम से रहें। ठीक बेटो, आगे पढ़ते हैं श्लोक नंबर 4 पे। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। अब इसमें उत्तिष्ठ मतलब है उठो, निबोधत मतलब ज्ञान प्राप्त करो, निबोधत है ना मतलब ज्ञान प्राप्त करो, जागृत मतलब जागते रहो, जागो, प्राप्य मतलब प्राप्त करो, ठीक,
और वरान मतलब श्रेष्ठ को। इसमें बताया जा रहा है, हे मनुष्य तुम उठो, हे मनुष्य तुम उठो, कर्म करो, सावधान रहो, वरदानों को प्राप्त करके उनको भली भांति समझो। हे मनुष्य तुम उठो, कर्म करो, सावधान रहो, वरदानों को प्राप्त करके भली भांति समझो। अब श्लोक नंबर 5 है और आखिरी श्लोक है ये, यतो यता समीहसे ततो नो अभयम् कुरु शन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयम् ना पशुभ्या। इसमें बेटे बताया जा रहा है, समीह से मतलब चाहते हो, समीह से मतलब चाहते हो, यतो यता, ठीक है, यतो और ये है यता, तो यतो यता मतलब जहां जहां से, ना मतलब हमारा कल्याण, ठीक है, शन मतलब हमारा कल्याण, शन मतलब हमारा कल्याण, प्रजाभ्यो भयम मतलब प्रजाभ्यम प्लस अभ्यम मतलब प्रजाओं अथवा संतानों के लिए अभय अथवा निर्भयता। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि हे मनुष्य, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हे भगवान, जिस जिससे विघ्न होने की संभावना हो, हे भगवान जिस जिससे विघ्न होने की संभावना हो उससे हमें निर्भय करो। मतलब मनुष्य यहाँ कह रहा है भगवान से कि हे भगवान, जिस जिससे विघ्न होने की संभावना हो उससे हमें निर्भय करो, ठीक है, हमारे प्रजाजनों के लिए, हमारे प्रजाजनों के लिए अथवा हमारी संतान के लिए कल्याण करो, ठीक है, हमारी प्रजाजनों के लिए अथवा हमारी संतान के लिए कल्याण करो, और पशुओं का भी कल्याण करो, और पशुओं का भी कल्याण करो। तो इस प्रकार से बेटे आपका संस्कृत में ये प्रथम पाठा वरना समाप्त होता है। मैं समझती हूँ कि आप श्लोक 1, 2, 3, 4 और 5 के अर्थ को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू क्लास।